दोस्तों हाजिर हूँ फिर से एक न्यू प्रोफेशन वीडियो के साथ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए अपने दोस्तों की हेल्प से कई सारे प्रोफेशन पर वीडियो बना चुका हूँ। ये सारे वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये प्रोफेशन उनमें से कुछ है और अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आप इस वीडियो एक बार जरूर से देखिए, आपको कुछ सीखने को कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का प्रोफेशन वीडियो के बारे में। और आज का प्रोफेशन वीडियो है गैस वेल्डिंग के ऊपर। अगर आप भी गैस वेल्डिंग का काम करते हैं दोस्तों, अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको टेस्ट देने में कुछ हेल्प मिल सकता है। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। और जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह का यूजफुल वीडियो बनाकर लाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपना टेस्ट का एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप किसी में भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप जो मुझे बताइएगा उस बेसिक पर मैं वीडियो बना के दूसरे भाइयों को बता सकता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गैस वेल्डिंग थ्योरी टेस्ट के बारे में। दोस्तों आपको थ्योरी टेस्ट के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 आंसर रहेगा, जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ओके, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा हुआ मिलेगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको फोटो पे रहेगा। आपको जो फोटो सही है, जो सही आंसर है, आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना रहता है। ओके, अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उसका सही आंसर जो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन आपके सामने दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं जो आपको बताऊं उसका आंसर आप याद रखिए। अगर आपके सामने में इस तरह क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शंस में जो सही आंसर रहेगा उसको आपको सिर्फ क्लिक करना है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। तो चलिए आप देख लेते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपका गैस वेल्डिंग से रिलेटेड आपका टेस्ट में आ सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन गैस वेल्डिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिले। हो सकता है कुछ सिमिलर रहे, हो सकता है कुछ डिफरेंट भी रहे, इसीलिए आप भी अपने साथ तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको देखिए और चले जाइए एग्जाम देने के लिए, ऐसा मत करिएगा। आप भी अपने साथ तैयारी करते रहिए दोस्तों। टेस्ट बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह आप जरूर से पास कर जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड
कोई क्वेश्चन करना है या मन में किसी तरह डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आपका कमेंट का जितना जल्दी हो सके कमेंट का आपको मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो बनाकर लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।